आज मैंने बनाए हैं आलू और छोले का रेसिपी। वीडियो में देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और सबको खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इसे आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो, पराठे के साथ भी खा सकते हो और चाय के साथ भी इसे खा सकते हो। तो आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है 2 बड़े आलू जो बारीकी से कटे हुए हैं, और 150 ग्राम छोला जो मैंने रात भर भिगो के रखे थे, 1 प्याज जो स्लाइसेस में कटे हैं और 2-3 हरी मिर्च। पहले हम आलू को पका लेंगे पानी उबाल आने तक, और उसके बाद जब पानी उबाल आ जाएगा तो उसमें हम जो छोले हमने रात भर भिगो के रखे थे उनको मिलाएंगे। तो यहाँ हमारा पानी उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें छोले मिलाएंगे, और इसके साथ आपको थोड़ा सा नमक भी मिलाना है स्वाद अनुसार। तो मैंने यहाँ पर पहले ही मिला दिए थे। अब हम इसको इस तरह से मिला लेंगे, और उसके बाद पानी ख़त्म होने तक हम इस आलू और छोले को पका लेंगे। अब हम इसको पकने देंगे, और इसके पकने के लिए कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो गाइस, 5 मिनट हो चुके हैं और थोड़ा सा ही पानी बचा हुआ है, इसे भी हम सुखा लेंगे। और गाइस, ऐसे बीच बीच में आप मिलाते रहिएगा, क्योंकि नहीं तो नीचे में लग जाएंगे, क्योंकि पानी कम है तो आपको ऐसे मिलाते रहना है बीच बीच में। तो अब हमारा ये रेडी हो चुका है पक के। तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, और उसके बाद इसी कढ़ाई में हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम कढ़ाई को गरम कर लेंगे, उसके बाद इसमें 2 से 3 टीस्पून तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें मिलाएंगे प्याज और हरी मिर्च, और इसको हम 1 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, और इसको हम अच्छी तरह से 15 से 20 सेकेंड तक भून लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारा पका हुआ आलू और छोले, इनको हम अब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ऐसे आपको मिलाते रहना है। आपको इस तरह से 3 से 4 मिनट तक धीरे धीरे से मिलाते रहना है। तो गाइस, फाइनली हमारे आलू और छोले का जो रेसिपी है वो बनके तैयार है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बने हैं। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और इसे आप खाइए और अपनों को खिलाइए। तो दोस्तों, मैं इस रेसिपी को एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगा और आगे भी इस तरह की रेसिपी आप देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ में जो बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आपके लिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।